सोलन नगर परिषद ने अंधेरे में बैठकर सोलन के विकास की इबारत लिखी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नगर परिषद का जर्नल हाउस था जिसमें सोलन के विकास के लिए बजट पारित किया जाना था, जिसको लेकर अध्यक्ष और पार्षदों ने मिलकर गहन चर्चा करनी थी, लेकिन जब चर्चा की जानी थी तभी बिजली गुल हो गई। लेकिन बजट बेहद महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए मजबूरन सभी को मोबाइल के लाइट में ही इस विषय पर चर्चा करनी पड़ी और अंत में बजट को मोबाइल की लाइट में पास कर दिया गया। सोलन नगर परिषद ने अंधेरे में बैठकर सोलन के विकास की इबारत लिखी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नगर परिषद का जर्नल हाउस था जिसमें सोलन के विकास के लिए बजट पारित किया जाना था, जिसको लेकर अध्यक्ष और पार्षदों ने मिलकर गहन चर्चा करनी थी, लेकिन जब चर्चा की जानी थी तभी बिजली गुल हो गई। लेकिन बजट बेहद महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए मजबूरन सभी को मोबाइल की लाइट में ही इस विषय पर चर्चा करनी पड़ी और अंत में बजट को मोबाइल की लाइट में पास कर दिया गया। अधिक जानकारी देते हुए नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि सोलन के विकास के लिए नगर परिषद ने बजट पारित किया है, जिसमें नगर परिषद की अनुमानित आय करीबन 114 करोड़ है और खर्चा 112 करोड़ है। उन्होंने बताया कि आने वाले वर्ष में नगर परिषद सभी विकास कार्यों के साथ साथ मुख्य रूप से पार्किंग, पार्कों और पानी के टैंकों पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि नगर परिषद ने इस बार लक्ष्य रखा है कि हर वार्ड में पार्क को और गाड़ियों को पार्क करने का उचित स्थान हो। उन्होंने बताया कि पानी की समस्या से निपटने के लिए हर वार्ड में पानी के टैंक बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बजट से सोलन विकास के नए आयाम लिखे ये सुनिश्चित किया गया है। नगर पालिका का जनरल हाउस था जिसमें नवंबर से दिसंबर तक किए गए इनकम और एक्सपेंडिचर का विवरण हाउस के सामने रखा गया, जो सर्वसम्मति से पास हुआ। इसके बाद हमारा बजट जो 2021-22 के लिए है उसको भी आज जनरल हाउस में पारित करने के लिए रखा गया, और 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें नगर परिषद की अनुमानित आय 114 करोड़ आंकी गई है और खर्चा 112 करोड़ रुपए के करीब खर्चा आएगा, और इसमें पार्किंग पर, पार्क्स पर और पानी के टैंकों पर विशेष ध्यान दिया गया है कि इस आने वाले वर्षों में हर वार्ड में एक पार्क बने, एक टैंक बने और पार्किंग की छोटी छोटी जगहें चिन्हित की जाएगी और उस पर पार्किंग बनाई जाएगी। हमारे डेवलपमेंट के कार्य है उसके लिए भी 1.5 करोड़ रुपया रखा है, जो विभिन्न वार्डों में खर्च किया जाएगा, चाहे रास्तों पे हो, चाहे नालों पर हो, चाहे स्टेयर केस हो, चाहे ग्रिल वगैरह हो। इस पर विस्तृत विचार किया गया और सभी ने अपने कुछ मुद्दों के साथ इस बजट को पारित कर दिया है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।